इसका एड ऑन कर दिया। अच्छा आपको ना ये 12 इंच बड़े पसंद है मेरा ख्याल है ना? हाँ अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज बहुत शुक्रिया ये वो जो अहमद ने चूज की थी। हाँ मैंने भी इसलिए चूज की थी कि ये थीम जो है ना ये स्टिकर के साथ मैच कर रही थी और देखने में बड़ी प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी। है ना? प्यारी नहीं, बहुत प्यारी मास्टर। तो गाइज आज है हमारे साथ यामाहा का वी मैक्स 1700 सीसी वी फोर है और 1700 सीसी बाइक है ये। इसके ओनर अभी मुझे बता रहे थे कि 200 bhp ऑन डाइनो देता है ये। दो वेट में थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि क्रूज़र बाइक है, क्रूज़र बाइक थोड़े से ज़्यादा ही होते हैं वेट शेट में। आज जो है मैं आपको अभी बाइक एक जगह पे खड़ा करके सारी एक्सेसरीज दिखाता हूँ जो मैंने अपनी बाइक पे इसकी बिल्ड पे लगाई है। कंप्लीट हो गई है, एक आखिरी पीस रहता था इसका वो भी मिल गया और मैंने लगा लिया हुआ है। वेरी लॉन्ग टाइम साथ भाई भी अपनी बाइक खुद चला के आ रहे हैं उनके भाई आए हुए थे तो पिछली कुछ राइड से वही चला रहे थे और साथ भाई जो है वो फोटोग्राफर का रोल प्ले कर रहे थे। एट लास्ट साथ भाई के साथ राइड करने का मौका। साथ भाई ने अपना इंस्टा 360X4 ऑर्डर किया था और जब इनका पाकिस्तान ऑलमोस्ट आने वाला था तो मैंने भी इन्हें कहा कि मुझे भी एक चाहिए, तो फिर इनका जो आया था इन्होंने पहला मुझे दे दिया था जो आप कुछ वीडियो से देख भी रहे होंगे। तो अभी इनका भी आ गया, इनके पास पहले X3 था, अब इन्होंने X4 पे शिफ्ट कर लिया। और मैंने जब X4, मेरे पास X3 तो नहीं था, उससे पहले मेरे पास 1 RS था। मैंने साथ को जब मुझे रिसीव हुआ था तो मैंने कुछ शॉर्ट्स भेजे थे इनको और मैंने कहा था कंपेयर करके बताएं X3 से कितना फ़र्क है, तो उन्होंने कहा था काफ़ी फ़र्क है लो लाइट कंडीशन जिस तरह हम मॉर्निंग में राइड करते हैं और इस राइड में भी लाइट कम होती है, तो इन्होंने कहा था उस लाइट में भी इसका रिज़ल्ट अच्छा है। तो फिर इन्होंने भी X4 जो है एक और मंगवा लिया अपने लिए। आज एक दूसरी चेंज जो मैंने की है वो हेलमेट के वाइज़र में की है। मैंने तकरीबन 3.5 साल से अपना जो क्लियर वाइज़र है वो यूज़ कर रहा था, तो रात को मैंने इसका ब्लैक वाइज़र लगाया है और बिलीव मी कि हेलमेट की दुनिया ही चेंज हो गई है। जो लुक इसकी निकली है ना वाइज़र के साथ, ब्लैक वाइज़र के साथ, जितनी प्यारी थीम होगी ना हेलमेट की उतना ही वो ब्लैक वाइज़र के साथ जचता है। तो बस ये है कि अभी क्योंकि लाइट थोड़ी कम है और तो मुझे ब्लैक वाइज़र में मज़ीद जो है वो थोड़ा सा ध्यान से चलाना पड़ेगा काम।
ये मैंने पूरा खींचा, मैं नीचे देखा 250। अहमद भाई ये देखें, ओए होए 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 लुई मोटो, क्या बात है, ये सेक्सी। आखिरी चीज रह गई थी जो लगने वाली, माशाल्लाह लुक सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। और कितने एग्जैक्ट कलर्स हैं, हां कार्बन लोडेड विद द कार्बन। मेरे ख्याल से जोए भाई ने इसके ऊपर जितनी चीजें लगा दी है ना, दिस इज द प्योर लव। एंड मेरा नहीं ख्याल, मैंने इंडिया में भी एक लड़के के पास देखी, उसने भी इतना कार्बन और इतना छोटी चीजों पे काम नहीं किया जिस तरह से इन्होंने किया हुआ है। आप टूल देखें, एक एक चीज देखें, अभी ये साथ साथ टून भी कर रहे हैं तो उसकी बैटरी नहीं लगी हुई। मैं यही कहने लगा था, आप कह रहे हैं ना इतना सामान लगा दिया है, एक सामान मैंने उतारा हुआ है। तो गाइस लॉट्स ऑफ एक्सेसरीज इंस्टॉल्ड, और आखिरी पीस रह गया था वो ये सीट थी लुई मोटो की, ये भी मैंने लगा ली है। और इन पर्सन इसको देखेंगे ना तो आपको मज़ा आएगा, क्योंकि तस्वीरों में मुझे भी मज़े की नहीं लग रही थी, पर इन पर्सन ये जो थीम और ये कलर स्कीम मैच कर गया ना बाइक के साथ, कमाल कर गए लुई मोटो वाले। तो गाइस सबसे पहली चीज़ जो है वो एरो का एग्जॉस्ट है, फुल सिस्टम है, ये आप देख सकते हैं आगे हेडर्स जो ब्लू कलर, क्या प्यारे लग रहे हैं। और ये नीचे वाली बैली जो है ये मैंने ट्यूनिंग के लिए उतारी हुई है, वो दूसरी साइड पे मेरा सेंसर लगा, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। ये जो एग्जॉस्ट है ना एरो का, इसमें 5 मॉडल थे इस बाइक के लिए, ये टॉप ऑफ द लाइन है एरो फुल टाइटेनियम ईवो कंपटीशन, ईवो प्रो रेस शायद इसका नाम है। और इसकी पाकिस्तान में पहुँच के ये 8 लाख रुपये का मुझे पड़ा है, और अ वेरी ब्यूटीफुल साउंड मेकिंग एग्जॉस्ट फॉर दिस बाइक। आपको पता है इनलाइन 4 तो काफ़ी बाइक्स होते हैं, पर हर बाइक के इनलाइन 4 का थोड़ा सा डिफरेंट साउंड होता है, कावासाकी का अपना है, सुजुकी का अपना है, होंडा का अपना है, लेकिन क्या ब्यूटीफुल साउंड आता है एरो एग्जॉस्ट के साथ इस बाइक का। अच्छा दूसरी साइड पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा ऑटो सेंसर जो है, ये मेरा ऑटो सेंसर एग्जॉस्ट के में लगा हुआ है, जो कि ट्यूनिंग पर्पज़ के लिए, क्योंकि फुल सिस्टम लगा था तो इसके AFR ख़राब हो जाते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो आपको नज़र आई गया कि कार्बन का सामान काफ़ी मेरी बाइक में लगा हुआ है। फ्रंट मैंने फेंडर जो है ये भी कार्बन का मंगवा के लगवाया है, इसके जो फ्रेम होता है बाइक का उसके ऊपर फ्रेम कवर भी कार्बन फाइबर के लगाए हैं, इसका टैंक कवर देखें आप कार्बन फाइबर से कवर किया हुआ है, और रियर हगर कार्बन फाइबर का है, और ये जो हील गार्ड है ये भी कार्बन फाइबर का है। हील गार्ड की बात हो रही है तो आपको ये जो नज़र आ रहा है फुट पैक्स, ये भी चेंज है, आफ्टर मार्केट है, एडजस्टेबल है फुली, आप इसका ब्रेक लीवर, इसकी हाइट फ्रंट आगे पीछे ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। और एक बड़ा ही ब्यूटीफुल कलर स्कीम के साथ जो है ये मैंने मंगवाया था, क्योंकि इसके अपने सिल्वर कलर के होते हैं जो प्यारे नहीं लगते। अच्छा एक ऐसी चीज़ है जो मैंने गोरों को भी नहीं देखी कि वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो टाइटेनियम बोल्ट्स हैं। ये रेड स्पेसर के साथ मैंने ब्लू कलर के टाइटेनियम बोल्ट्स मंगवा के लगाए हैं इसको, जो इसकी ओवरऑल कलर स्कीम के साथ मैच करते हैं। इसके अलावा इसके जो इंजन के कवर्स हैं उसके ऊपर भी टाइटेनियम बोल्ट्स लगाए हुए हैं, और जो इसकी रियर स्प्रॉकेट है इसके ऊपर भी जो बोल्ट्स होते हैं वो भी मैंने टाइटेनियम के मंगवा के लगाए हैं। अब स्पॉकेट की बात हो रही है तो स्पॉकेट की कर लेते हैं, मैंने वोटेक्स की स्पॉकेट चेंज की हैं, रियर 43 ही है इसको, स्ट्रोक भी 43 आती है, अमेरिकन वर्जन है, अमेरिकन मॉडल है तो 43 आती है रियर पे, और फ्रंट जो है वो मैंने 15 डाली है, 16 से 15 कर दिया है, एक तो डाउन किया है वो भी वोटेक्स की है, और ये रियर भी वोटेक्स की है, और ये मैंने कन्वर्जन भी किया, यानी इस पर 5x5 की आती है तो मैंने 520 पे चला, क्योंकि ये बारीक होती है। और चेन जो है वो DID की गोल्ड चेन डाली है, देखें आपको इसकी नज़र आ रहा होगा कि ये कितना बारीक चेन है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे GB रेसिंग के इंजन कवर्स लगे हुए हैं, और शाइनी फिनिश में हैं, और मैंने इसको जैसा कि अभी बताया पूरा टाइटेनियम बोल्ट्स के साथ कवर किया हुआ है। जो मैंने आपको फुट पैक्स दिखाए थे उसके ऊपर भी टाइटेनियम बोल्ट्स इंस्टॉल हैं, तो लॉट्स ऑफ टाइटेनियम बोल्ट्स, और ये बड़े एक्सपेंसिव हैं। अगर प्राइस बताऊं तो मैंने जितने भी बोल्ट्स आपको दिखाए हैं ये सब मुझे तकरीबन ऑलमोस्ट 60,000 के कॉस्ट किए थे, जितने बोल्ट्स भी आपने देखे हैं, टू मच एक्सपेंसिव बोल्ट्स थे यार। इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें मैंने बाइक की कलर स्कीम के साथ मैच की हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं इसके स्पूल्स हैं, इसका जो हवा भरने वाली कैप है ये भी बाइक की कलर स्कीम के साथ मैच है। फुट रेस्ट उतारे हुए हैं मैंने, उसकी जगह पे ग्रैब लेज लगी हुई हैं, पिछला सीट रिमूव है उसकी जगह पे काउल लगा हुआ है, और सबसे मज़ेदार और प्यारी चीज़ जो मैंने सबसे एंड में मंगवाई है वो लुई मोटो का सीट कवर है, जो कि बाइक की कलर स्कीम के साथ क्या मैच कर रहा है, ये क्या डिज़ाइन बना दिया लुई मोटो ने। और इन पर्सन इस सीट कवर को आप देखेंगे तो आपको प्यार हो जाएगा। मैंने जब ये तस्वीरों में देखी थी तो मुझे इतनी अपील नहीं कर रही थी, 650 ईब ने भी अपनी जो 21 मॉडल का लिया था CBR, उसने उसको जो
उसने उसको जो सीट कवर लगाया हुआ था उसने उसको जो सीट कवर लगाया था उसके यहाँ पे स्ट्रिप्स थी रेड कलर की, बस ये उसमें ये चीज़ें नहीं थी। लेकिन मैंने रिस्क लिया, मैंने कहा चलो यार मंगवाते हैं, तो और ये लगा हुआ वाकई बहुत प्यारा लग रहा है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि ट्रैक्शन पैड भी लगे हुए हैं और क्रैश गार्ड हैं। इसके अलावा यहाँ पे रिफ्लेक्टर लगा होता है वो उतार के मैंने ये छोटा सा लगा दिया है, रिफ्लेक्टर अच्छा नहीं लगता तो मैंने ये लगा दिया। इसके स्लाइडर तो नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे कौन सा इसने ज़मीन के साथ लगना है। और बाकी वाइज़र है ज़ीरो ग्रेविटी का लगा हुआ, लीवर्स चेंज किए हुए मैंने ब्लू थीम के साथ, टैंक कवर चेंज है ब्लू थीम के साथ, यहाँ पर कैप लगा के इसका यहाँ पर होल होता है तो वो भी बंद किया हुआ है। क्या रह गया है, इसकी वुलिश की डिवाइस लगी हुई है, ये उसी की तार जा रही है सेंसर की जो कि इसको ट्यून कर रही है। क्या दिखाऊं मैं आपको, और डीएनए का एयर फिल्टर है इसके अंदर, वेलोसिटी स्टैग्स हैं टर्न 13 के। और हाँ एक चीज़ जो मैं भूल जाता हूँ, रियर पे लोरिंग किट लगी हुई है और एडजस्टेबल किक स्टैंड लगा हुआ है, और बाइक मैंने थोड़ी सी डाउन की हुई है और किक स्टैंड एडजस्टेबल है तो वो उसकी हाइट को एडजस्ट कर लेते हैं हम बाइक को, क्योंकि बाइक डाउन होगी पीछे से थोड़ी सी। फ्रंट से भी मैंने कुछ नहीं किया हुआ, फ्रंट से अगर डाउन करनी भी हुई तो मैं शौक से करूँगा क्योंकि बेल्ट्स मैंने डाली थी, ये बाइक इतना खूबसूरत है कि बेल्ट्स जो है वो प्यारी नहीं लग रही थी, मैंने उतार दी थी फिर। और लोअर बेली पैन जो इसका है वो तो इसको लगाना ही लगाना। तो ये ओवरऑल एक्सेसरीज थी, मेरा ख्याल है मैं अभी भी कुछ ना कुछ भूल गया हूँ। तो ये ओवरऑल बाइक की जो बिल्ड है ये 20 लाख इसकी कॉस्ट जो है मुझे पड़ी है, सारे सामान को पाकिस्तान में आके कस्टम क्लियर करके हर चीज़ करके। कस्टम इतना ज़्यादा नहीं पड़ा क्योंकि वो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, कभी कोई आ रहा होता है उसके थ्रू मंगवा ली, तो ओवरऑल मैनेज किया है और आपके सामने है अब ब्यूटीफुल 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 बाइक। रिम्स के स्टिकर्स भी इसके जो हैं वो लगे हुए हैं, ये इसके पुराने ओनर ने लगाए हुए थे रिम के स्टिकर, तो ये मुझे प्री इंस्टॉल मिल गए। ये था आज का रिव्यू और बाइक की ओवरऑल बिल्ड जो मैंने बाइक को बनाना था, तैयार करना था। बाइक आपके सामने है और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है अब, और इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेंगे। मैं बस दुआ कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी मेरे जो एक दो दोस्त हैं अभी उनके पास बाइक नहीं है वो भी बाइक ले लें, वो ढूंढ रहे हैं अच्छी बाइक मिलती है जैसी, तो उसके बाद आपको प्रॉपर राइड्स की वीडियोज़ भी मिलेंगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ राइड सेफ, मुझे दो में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।